वेलकम टू फैक्ट्स गुरुजी एंड जी का टीचर। 806 पुलों, 103 सुरंगों और 18 स्टेशनों से होकर गुजरती हैं। यह मालगाड़ी कालका शिमला एक्सप्रेस से जाती है। दुबई में टोटल जनसंख्या यानी कि संपूर्ण जनसंख्या में केवल 15% लोग ही दुबई के रहने वाले हैं। बाकी सभी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि अन्य देशों से आकर दुबई में बसे हुए हैं। नेदरलैंड, नेदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुते, नेदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुते हैं, जो बिना किसी सिक्योरिटी के साइकिल पर सफ़र करते हैं। भारत की गायिका लता मंगेशकर, उन्होंने 20 भारतीय भाषाओं 20 भाषाओं को लगभग 35,000 गीत गाए हैं। 20 भाषाओं में 35,000 गीत गाए हैं, जो दुनिया में किसी भी गायिका द्वारा गाए गए गीतों में से सबसे ज़्यादा है। समुद्री जल में 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम नमक होता है, यानी कि 1,000 लीटर में 1,000 × 35। इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली 600 वोल्ट बिजली को अपने अंदर समाने की क्षमता रखती है। ये एक ऐसी ईल है जो हमें शॉक भी दे सकती है। वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन से भरे माइक्रो पार्टिकल की खोज कर ली है, जिसे इंजेक्शन के माध्यम से नसों में उतारा जा सकता है, तो अब हम बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनकी आंखें आज भी न्यूयॉर्क सिटी में सुरक्षित रखी हुई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर है, जो भारत के ओडिशा राज्य के कोणार्क में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर पूर्वी गंगा साम्राज्य के महाराजा नरसिंहदेव एक ने 1250 ईस्वी में बनवाया था। यह मंदिर बहुत बड़े रथ के आकार में बना हुआ है। एटीएम की खोज जॉन सेफर्ड बैरन ने की। एटीएम को जॉन सेफर्ड बैरन ने बनाया 1965 में। एक दिन बैरन पैसे निकालने के लिए बैंक के निकट 1 मिनट की देरी से पहुंचे और बैंक बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसी मशीन बनाई जाए जिससे 24 घंटे पैसे निकाले जा सकें। भारत में माचिस का निर्माण 1895 में शुरू हुआ, लेकिन यह माचिस विदेश से बनकर आती थी। फिर भी 1927 में शिवकाशी में नाडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन शुरू किया गया, जिसका पहला कारखाना अहमदाबाद में खोला गया था। मॉरिशस एक शहर या देश है जहाँ पर 50% हिंदू और बाकी के मुसलमान और क्रिश्चियन हैं। काली बिल्ली को जापान में भाग्यशाली माना जाता है, जबकि भारत में उसे अनलकी माना जाता है। ओवर मोरो, टुमारो के बाद अगला दिन आता है, उसे ओवर मोरो कहते हैं। घोड़ा खड़ा होकर, यानी कि घोड़ा बैठ कर नहीं सोता है, घोड़ा खड़ा होकर और खरगोश आँखें खोल कर सोता है। कंगारू उल्टा नहीं चल सकता। कोई भी जानवर उल्टे चल सकते हैं, लेकिन कंगारू ही है जो उल्टा नहीं चल सकता। आप बैटरी को 6 इंच की हाइट से गिरा कर देखिए। बैटरी अगर एक बार उछलती है तब यह ठीक हालत में, अगर ज़्यादा बार उछलती हैं तो यह ख़राब हो चुकी हैं।
या होने वाली है। विश्व के 5 प्रमुख धर्मों हिंदू, ईसाई, इस्लाम, चीनी लोक सभ्यता तथा बौद्ध का उदय यहीं एशिया में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि कंबोडिया में है, जिसका नाम अंगकोर वाट है और यह 162.6 हेक्टेयर में बना हुआ है। केटू संसार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। वर्षा के कारण इस पर इतना पानी जम जाता है कि यह कुछ हफ्तों के लिए माउंट एवरेस्ट से थोड़ी ऊंची हो जाती है। अगर आज के समय में एफिल टावर को बनाया जाता तो इस पर 31 मिलियन डॉलर का खर्चा आता। दुनिया के सबसे कम उम्र वाले माँ बाप 8 और 9 साल के थे, 1910 में चीन में रहते थे। पृथ्वी के 40% हिस्से में दुनिया के सिर्फ 6 देश होते, यानी कि आधे से थोड़े कम हिस्से में सिर्फ 6 देश ही होते हैं। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई, तब सिकंदर लोदी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है, पर इनमें से गीजा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। बाकी के 6 अजूबे काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, पर ग्रेट पिरामिड का केवल ऊपर का भाग 10 मीटर का ही गिरा है। इस पिरामिड के पास 2 पिरामिड भी हैं जो इससे छोटे हैं। गीजा का ग्रेट पिरामिड 450 फीट ऊंचा है, 43,300 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा, पर 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया। गीजा के ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 30 लाख मजदूरों ने 23 साल तक काम किया। बहुत टाइम लगा, 23 साल कितने होते हैं, 30 लाख मजदूर। एफिल टावर पर 10 हाथियों के वजन के बराबर पेंट किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पेंट चाहिए इसमें। दुनिया का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, विश्व का है ये, दुनिया का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जिसकी लंबाई 26 किलोमीटर